हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जो कि जब हम रिजोल्यूशन बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ही इसका यूज़ है। तो रिजोल्यूशन बनाने से पहले हमें कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म अच्छे से क्लियर से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए समझते हैं। इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म स्टेटमेंट इन बुलियन लॉजिक आर कंजक्शन ऑफ क्लाउजेज विद क्लाउजेज ऑफ डिसजंक्शन। कहने का मतलब कि ये जो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, माइनस क्यू दैट मीन्स नॉट क्यू और पी और क्यू सॉरी पी और आर एंड, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, एंड नॉट पी और आर एंड क्यू, ये सारे आपके क्या हैं, एग्जाम्पल से कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म इस वे में लिखे जाते हैं। दैट मीन्स द सीरीज ऑफ और दैट कनेक्टेड बाई एंड ऑपरेटर। देखिए क्यू नॉट क्यू और पी और यहाँ और ये होना चाहिए, और जो कनेक्टेड है होंगे क्लाउजेस वो एंड से कनेक्टेड होंगे। इस तरह से पी और आर एंड नॉट पी और आर एंड पी और नॉट आर, ये कुछ सैम्पल्स हैं जो जो कि सी एन एफ के एग्जाम्पल्स हैं। और हम देखते हैं कि कौन से हमारे जो कि सी एन एफ नहीं है। देखिए इस तरह के जो फॉर्म में होंगे, यहाँ देखिए ये हमें इम्पोर्टेंट देखना है कि देखिए यहाँ भी है और का साइन, बट ये क्या है हमारे नॉट लिटरल्स, ये नहीं है क्लाउजेस। क्यों नहीं है देखिए, क्योंकि नॉट पी नॉट क्या है, ये आपका आउटर में है, नॉट जो है आउटर है, और हमारा नॉट नॉट क्या होना चाहिए, लिटरल के साथ होना चाहिए, इस वे में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ना कि वो अलग होना चाहिए, आउटर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्यू और पी दैट मीन्स ये जो नॉट है ये फिर अंदर जाके इन्वर्ट जाएगा, तो ये फिर इसका वैल्यू चेंज कर देगा, ये और का क्या हो जाता है एंड हो जाता है, और ये इस तरह से तो ये चेंज कर देगा, इसलिए क्या है कि ये रॉन्ग है। तो क्या कहेंगे इस तरह के, पी और ये क्यू और पी इज नॉट अ लिटरल, क्योंकि लिटरल नहीं होंगे ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी हमारा क्या हो रहा है, ये जब निगेशन का हम देखते हैं इस तरह से जो होता है ए और बी, जैसे निगेशन को आप अंदर ले जाएंगे नॉट ए, और ये जो और का सिंबल है एंड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बी इस तरह से हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा फॉलो नहीं करेगा सी एन एफ के रूल को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, सिंस और इज नेस्टेड विद इन नॉट, देखिए नॉट नॉट क्या है, फिर अगेन वही वाली सेम थिंग, ये भी हमारा क्या होगा सी एन एफ नहीं होगा। ओके पी एंड देखिए इस फॉर्म में होगा, देखिए पी एंड क्यू और आर एंड एस, देखिए ये भी नेस्टेड है यहाँ पर, तो ये भी हमारा जो एंड है ये नेस्टेड हो गया, इसलिए ये भी क्या होगा, सिंस एंड इज नेस्टेड विद इन और के अंदर ये नेस्टेड है, इसलिए भी ये सी एन एफ के फॉर्म में नहीं होगा। और ये देखिए पी एंड क्यू, ये हमारा क्या था, ये होना चाहिए था यहाँ और इसके जगह पर होना चाहिए था एंड, तो ये राइट होता, बट इस फॉर्म में है सिंस दिस इज रॉन्ग। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट, देखिए कन्वर्जन क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टेप से, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर इनटू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट हमारा है एलिमिनेट बाई डायरेक्शनल्स, एलिमिनेट बाई डायरेक्शनल्स दैट मीन्स रिप्लेसिंग ए बाई डायरेक्शनल बी विथ ए इम्प्लाई बी एंड बी इम्प्लाई ए। ओके ये हमारा बाई डायरेक्शनल का एलिमिनेट इम्प्लीकेशन, ए इम्प्लाई बी को रिप्लेस करेंगे किस तरह से, माइनस ए और बी, ये है हमारा इम्प्लीकेशन का चेंजिंग। अब उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा मूव इनवर्ड, माइनस ए है जैसे ही आप इसको, ये फॉर ऑल का है, इसे जैसे ही आप इनर ले जाएंगे तो ये जो फॉर ऑल है ये क्या हो, देखिए ऐसे इसका आएगा फॉर ऑल एक्स नॉट पी, तो ये जो क्या होता है इसके जगह पर आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स, क्योंकि इक्विवेलेंट होते हैं ये, इसलिए ये इस तरह से होगा नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स पी इक्विवेलेंट है फॉर ऑल एक्स नॉट पी। इस तरह से नॉट अल्फा और बी, देखिए यहाँ पर बीटा है, नॉट अल्फा ये चेंज हो जाएगा बीटा सॉरी एंड एंड नॉट बी, इस तरह से वे में ये आ जाएगा, अगेन नॉट ए अल्फा एंड बीटा, अब ये क्या हो जाएगा और में चेंज हो जाएगा और निगेशन इन दोनों के पहले लग जाएगा। और देखिए नॉट नॉट ए दैट मीन्स ओनली सॉरी ये अल्फा है, नॉट नॉट अल्फा इक्वल्स टू ओनली अल्फा, क्योंकि नॉट नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके ये सिंपल अल्फा बचेगा। ये थर्ड स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप स्टैंडर्डाइज वेरिएबल अपार्ट बाई रिनेमिंग देम, स्टैंडर्ड फॉर्म उनका देना है जो रिनेम कर देंगे उनका नेम स्टैंडर्ड। सपोज अगर है आपका फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स जी एक्स
वाई, इस तरह से है। तो इसका क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म दे देंगे, जैसे जी वन कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे एक्स को आप जेड कर लो या फिर वाई वन कर दो, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म जनरलाइज कर देंगे कि सारे में वही यूज हो। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, एस्कोलेमाइजेशन, एस्कोलेमाइज। ईच एक्जिस्टेंशियल वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाई एस्कोलेमन कॉन्स्टेंट और एस्कोलेमन फंक्शन ऑफ द इंक्लोजिंग यूनिवर्सली क्वान्टिफाइड वेरिएबल। देखिए जो यूनिवर्सली क्वान्टिफाइड वेरिएबल होते हैं तो उसके अंदर जो होती है वेरिएबल, उसको दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं एस्कोलेमन और एक फंक्शन भी होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए देयर एग्जिस्ट रिच एक्स, अब इसे क्या कर देंगे हम, रिच जी वन, इसका नाम दे देंगे हम जी वन। ओके, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया जी वन में। अगेन वेयर जी वन इज अ न्यू एस्कोलेमन कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हुआ। अब आइए फंक्शन की बात करते हैं हम। एवरी वन हैज अ हर्ट, देखिए फॉर ऑल एक्स पर्सन एक्स देयर एग्जिस्ट वाई हर्ट वाई एंड हैज एक्स वाई। ये इसका क्या किया है, इसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बना हुआ है, इसे कन्वर्ट किया गया है प्रेडिकेट लॉजिक में इस सेंटेंस का। तो फॉर ऑल एवरी वन यानी फॉर ऑल पर्सन जो है उनके हैज अ हर्ट, अ हर्ट है यानी देयर एक हर्ट है उसके पास, हर्ट वाई एंड एक हैज एक्स वाई यानी उसके पास एक ही हर्ट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए फॉर ऑल एक्स है पर्सन कर दिया यहाँ पर, जो ये हर्ट है, हर्ट देयर इज दिस हर्ट था, इसको क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया एच एक्स में। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ y का ही चेंज हुआ था ना एच एक्स, तो इसलिए यहाँ x और y की जगह पर एच एक्स। ओके, देखिए y को क्या चेंज किया था, y को चेंज किया था इससे, सो यही वाला यूज यहाँ पर भी कर दिया। तो इच क्या हो गया आपका, एस्कोलेमन फंक्शन हो गया। अब सिक्स स्टेप है, क्या है, ड्रॉप यूनिवर्सल क्वान्टिफायर। ओके, फॉर ऑल एक्स पर्सन जो क्या है, जितने भी आपके यूनिवर्सल क्वान्टिफायर है उनको हम हटाते चले जाएंगे। नेक्स्ट है सेवन, डिस्ट्रीब्यूट एंड ओवर और, दैट मीन्स कि अल्फा एंड बीटा और गामा। ठीक है, इस तरह से है, जिसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अल्फा और गामा एंड, एंड का यहाँ पर साइन यूज़ करते हैं, एंड अगेन बीटा और गामा।